ये बमाग सी है, ये ऊपर बमाग बमाग और टोड इलाके के ये सरपंच है, बहुत बड़ा एरिया सर। देवीगढ़, देवीगढ़ सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि सर मैं आज सुबह जब हमें कल का पता चला था, हमारे जिला प्रधान साहब ने बताया कि ऐसे डॉक्टर साहब के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसानों पे चर्चा होनी है, उसी सिलसिले में हम आज देवीगढ़ से सुबह मेरे साथ कुछ साथी आए हैं, बमहा के गुलखराज जी हैं, लदीप जी हैं टोड से, ये सभी युवा मोर्चा के बंदे हैं, और जो बिल लाया गया है इसका पूरा पूरी तरह से बमहा के लोग और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन सर मैं कुछ मेरी बातें हैं जो क्योंकि मैं राजनीति से सरपंच हूं तो मुझे लोगों को डेवलपमेंट की बात करना ज्यादा मेरे लिए उचित है, इसलिए मैं किसानों की बात करी सर, हमारे मेरी पंचायत देवीगढ़ में एक इरीगेशन की कूल है जिसकी लेंथ कम से कम 3 किलोमीटर होगी, और प्लीज मैं इस चीज के लिए बहुत जरूरी यहाँ पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि 3 किलोमीटर मेरी एक इरिगेशन कूल है, उसके आगे कोई 800 कनाल जमीन है सर, और वो इरिगेशन की कूल आज से 10-12 साल पहले हमने 2008 से पहले ये इरिगेशन की कूल बनाई गई थी थोड़ी बहुत, और कहते थे कि 1 करोड़ का सेंक्शन हुआ था, बाकी वो इरिगेशन की कूल अभी कम्प्लीट नहीं हुई है, और ऐसे मटीरियल अच्छा नहीं लगाया और टोटल वो वेस्ट हो गई है, इसलिए हम चाहेंगे आपसे कि ये अब मैं वहां का सरपंच हूं बट इतना हमारे पास पैसा आता नहीं है, पंचायतों में 2-2, 4-4 लाख की इंस्टॉलमेंट आती है, तो जैसे ही वो पैसा आता है तो हमें प्लान मांगा जाता है कि आप ये प्लान दो हमें, इसलिए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और हम विशेष तौर आपसे ये बात करेंगे कि इस इरिगेशन कूल जो है इस पे आप बात करें किसी भी एजेंसी से, ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सर मेरी एक ऐसा करें प्रभात जी, जब आपकी मीटिंग होगी डीसी साहब से ये सारे पॉइंट नोट करता हूं। अच्छा, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, डीसी को उनके नोटिस में लाइए, फिर इसको फॉलोअप करिए, और डीसी के जेरे अख्तियार में है ये सारा काम। अच्छा, छोटे छोटे और सर के लिए तो एक बार आपकी मीटिंग होनी चाहिए, उसके बाद फिर फॉलोअप करें, आप भी करें हमारे पवन जी भी करें। सर हम तो हमेशा डीसी मैम के साथ हम बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे साथ बहुत सहयोग भी करते हैं वो, लेकिन ये पैसा बहुत अमाउंट बहुत ज्यादा लगेगा इसको बनाने के लिए, इसलिए आपसे विशेष अनुरोध कर रहे हैं हम सर। आप डीसी मैडम के ध्यान में ये भी लाइए, फिर उसको कोई दिक्कत है तो कोई आपसे बात करें, किसी और से करनी है तो हम भी करेंगे। ठीक है सर, एक हमारा ये अंजनाला बमाग यहाँ वहाँ पे एक फुट ब्रिज है सर, और उसकी मैंने एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी को एक लेटर भी लिखा था, और ये हम मेल भी करेंगे थोड़ी देर के बाद, सर मेरा ये फुट ब्रिज है अंजनाला एट काली मिट्टी पंचायत देवीगढ़ और सुखाल घाटी ये डंगा कोड 3-4 पंचायतें सर इस फुट ब्रिज से कनेक्ट होती हैं, और जब ये नाले पंचायतों के लिए ये सुविधा मिल सकती है सर, और उसके साथ सर बोलिए उसके साथ सर जैसा कि कल हमारे रियासी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हमारे ब्लॉक में हमारी तहसील में टोटल एक ही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है,
वहाँ पे स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है सर कि कल वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल तोड़ के बच्चों ने रियासी में धरना प्रदर्शन किया। शायद आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता भी चला होगा, कम से कम 100 बच्चे वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतर गए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तोड़, प्लीज आप डायरेक्टर एजुकेशन से बात करें, या जैसे ही बात हो सकती है वहां पे लेक्चरर नहीं है सर, 5 सब्जेक्ट के दो ही केवल दो लेक्चरर है, टीचिंग स्टाफ भी बहुत ज्यादा कम है। इसलिए हम विशेष तौर पर आपसे बात करें, कल बच्चे 100 बच्चा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का रियासी में सड़कों पे प्रदर्शन, 4-5 घंटे उन्हें सड़कें जाम की। फिर हमने डीसी मैम को कहा कि इन बच्चों से आप बात करें, फिर डीसी मैम वहां पे आए, उन बच्चों से मिली, उन्हें आश्वासन दिया कि आप जाएं, हम स्टाफ के लिए करेंगे। लेकिन ये आपसे विशेष तौर पर इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे हम युवा मोर्चा से अगर बिलोंग करते हैं, हम युवा को डील करते हैं, तो हम क्या बच्चों को बताएंगे। इसलिए अगर बच्चे ही सड़क पे उतर जाएंगे तो इससे ज्यादा हमारे हमारे लिए बदकिस्मती क्या हो सकती है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने, 100% ठीक। और आपने डीसी मैडम से बात की, हम भी डीसी मैडम को कहते हैं और आप थोड़ा उसको फॉलो अप भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेक्चरर वहाँ नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है छुट्टी लेके घर बैठे हुए। नहीं सर, लेक्चरर की पोस्टें वैकेंट है, पिछले 3 साल से वहाँ पे लेक्चरर नहीं है, ऐसे ही हमारे ये अपने पीएससी टोट है, हमारे ब्लॉक में एक ही पीएससी है, वहाँ पे सर 16 पोस्टें हैं, 8 पोस्टें वहां से वैकेंट पड़ी हुई हैं, और 8 पोस्टें जो फील है उसमें से ही 4 डॉक्टर जो हैं अटैच हैं, 4 डॉक्टर वहां पे रियासी में अटैच किए हैं। ये बात हमने रखी है, लेकिन इनका हेल्थ वालों को कहना है कि इनके पास अभी डॉक्टरों की कमी है, इन्होंने हमें बताया कि नए डॉक्टर अभी लगाने वाले हैं, तो उसमें आप भी ये जैसे दे देना, इनको हमने कुछ दिए हैं पीएससी हीरानगर में और भी कुछ जगह पे, तो इनके पास एक्चुअली डॉक्टर कहीं कहीं बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बनी तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बिल्डिंग बनी तो वहाँ पे भी बिल्डिंग नहीं है सर, बट आपने अधूरा काम है इनका। जी जी, तो इसका करेंगे। धन्यवाद सर। सर एक एक दो बातें बहुत जरूरी है सर, वो करनी है मुझे अभी। हेलो, थोड़ा डोडा की तरफ चलते हैं, जहाँ रविंद्र ठाकुर जी।